नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विक्रांत बदन। लोकल फॉर वोकल, यानी कि लोकल की जो चीज़ें, हैंडमेड जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार हमेशा प्रयास करती है, प्रशासन हमेशा प्रयास करता है। तो दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके में और उसके बाद क्या रहेगा, किस तरह से जो है यहाँ पर विशेष है। हम एक स्टॉल पर यहाँ पर पहुँचे हैं। रोहिणी महिला ग्राम संगठन, ग्राम पंचायत हलोक धामी के जो महिला हैं उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जिसमें आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दिए यहाँ पर है, मिट्टी के दिए यहाँ पर मौजूद हैं, गोबर से बने दिए, गोबर से जो है कॉइल, इनके मच्छर भगाने के लिए यहाँ पर कॉइल विशेष तरह से यहाँ बनाई गई है, मास्क, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बुनाई की अगर बात करें, जुराबे जो हाथ से जो बुनाई की जाती है। एक मुहिम बनाई गई है कि लोकल फॉर वोकल, और जिसमें काफ़ी सारी महिला यहाँ पर इसके साथ जुड़ती है और एक आय का साधन हम कह सकते हैं कि आय का साधन भी साथ साथ बढ़ता है, और आय के साधन के साथ साथ जो है जो महिलाएं घर पर रहती है और घर पर रहकर जो है डिफरेंट इनकी तरह तरह की जो चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है। तो उसके तहत जो है एक स्टॉल उपायुक्त कार्यालय शिमला में लगाया गया है, जिसमें विभिन्न तरह के जो प्रोडक्ट यहाँ पर रखे गए हैं, खासतौर पर मिट्टी के दिए और गोबर से जो बने यहाँ पर दिए। तो सबसे पहले हम आपको दिए दिखाएंगे जो गोबर से यहाँ पर बने हैं, क्या विशेषता है, और हम आपको बता दें कि देखिए ये दिए जो है जो यहाँ की लोकल महिला है, यानी कि जो ग्राम हलोग धामी से की जो महिला है उनके द्वारा ये दिए बनाए गए हैं। ये और इस दिए की जो विशेषता है, ये गोबर से बने हैं और इसके साथ ही साथ जो है मिट्टी के यहाँ पर दिए यहाँ पर देख रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे जो है प्रशासन का एक पहल है कि लोकल फॉर वोकल, और जो महिलाएं घर पर रहकर अपनी आजीविका कमा सकती है और इसके लिए जो ये कार्यक्रम यहाँ पर किए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि सेपू बढ़िया ये भी घर में तैयार की जाती है, अब ना आप बाजार जाते हैं, बाजार से इस तरह के प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है कि किस तरह की इसकी क्वालिटी रहेगी। पर आपको बता दें जिस तरह से इनका कहना है कि घर में ही ये सारी चीज़ें महिला द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। सीरा, ये आप देखिए सीरा ये भी घर में ही तैयार किया गया है, और ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद हैं और ये आज यहाँ पर सेल के लिए लगाए गए हैं। और महिलाओं के लिए खासतौर पर जो एक आजीविका का एक साधन यहाँ पर होता है, बुनाई, हाथ से जो बनाई चीज़ें हैं, हैंड टू हैंड इनके घर की सजावट के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। बच्चों के जो स्वेटर्स यहाँ पर हैं, मफरल यहाँ पर हैं। तो यानी कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि महिलाओं को जो है तो हर चीज़ है। आपको दिखाएंगे हल्दी, ये भी घर से, यानी कि अमूना हम कहे कि अगर बाजार जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में रहता है कि मिलावटी चीज़ें आपके पास ना हो, तो यहाँ पर हल्दी भी घर से में तैयार की गई है। अचार जो है, अचार जो घर में जो तैयार किया गया अचार है, और जिसमें हर चीज़ आप कह सकते हैं कि कोई मिलावट नहीं है। तो आप अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए तो आप शिमला के उपायुक्त कार्यालय डिस ऑफिस में यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। और ये स्टॉल आज तक ही है, और क्योंकि कल संडे है और संडे के बाद ये स्टॉल नहीं लगेगा। और इसी तरह की जो है और जो सहिता समूह के जो संगठन है उनको मौका मिलेगा, पर अभी जो है विकासखंड टूटू हीरा नगर यानी कि ग्राम पंचायत हलोग धामी की जो कुछ महिलाओं को अभी मौका मिला है, उसके बाद अन्य जो महिला को इस तरह का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें विशेषता हम आपको बता रहे थे कि ये कॉयल है, गाय के गोबर से बनी है, यानी कि अगर आपके घर में मच्छर है और मच्छर भगाना चाहते हैं, और जिस तरह से बाजारों में प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं पर वो हानिकारक भी होते हैं, पर ये बिल्कुल तरह से सेफ है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं फिर भी आप इससे जला सकते हैं, और गाय के गोबर से बना है, और इसी तरह के जो धूप भी यहाँ पर बना है जिसकी महक, कहने का मतलब कि महक काफ़ी अच्छी है, और जिसके एक एक वाइब्स, इनकी अच्छी वाइब्स इससे उत्पन्न यहाँ पर होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम यहाँ देख पा रहे हैं और इसकी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, और ये सब जो है महिलाएँ जो घर में, इनकी विकासखंड टूटू हीरा नगर की कुछ महिला हैं उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, और ऐसी काफ़ी सारे सहायता समूह के संगठन हैं उनको भी यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय में मौका मिलेगा। तो आइए इन महिलाओं से भी बात करेंगे।
और उनसे जानेंगे किस तरह से ये रहता है। मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं और कितनी महिलाएं आपका साथ जुड़ी है और क्या मोटिव रहता है इस तरह के स्टॉल लगाने का? सर मैं हलोक धामी पंचायत से हूँ, मेरा नाम उमा धीमान है और मैं एक वीओ चलाती हूँ, उसकी प्रधान भी हूँ। तो मेरे पास 150 के आसपास महिलाएं हैं जो काम करती है हमारे ग्रुपों में, तो उसमें बहुत अच्छा काम है उनका। सभी महिलाएं आप हाथ से काम करती है, हाथ का जो भी प्रोडक्ट बनता है, लोकल वोकल पे हम सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। घर की हर चीज जैसे साग सब्जियां वगैरह भी होती है और सिलाई बुनाई का होता है। आजकल हमारी ये दीपक की ट्रेनिंग चली हुई है तो ये आजकल इसको हम कर रहे हैं, तो जो भी हमारा हाथ से बनती है चीज वो चीज सारी हम कर रहे हैं। और इससे हमारे जो ब्लॉक टूटू में मैम बैठते हैं, वीडियो सर बैठते हैं, बिमला मैम और वीडियो सर बैठते हैं, वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं। हमारे को बहुत क्या लगता है इस तरह की जो मुहिम रहती है लोकल फॉर वोकल और घर में महिला रहती हैं और जीविका का साधन हम कह सकते हैं बैठ सकते हैं, कितना फायदा महिलाओं के लिए पहुंचता है और क्या मैसेज जो है ऐसी महिलाओं को आप लोग देना चाहेंगे? सर इसमें ये होता है अभी जैसे हमारी महिलाएं काम कर रही है तो उसमें आजीविका तो पहले काम करती थी महिलाएं पर घर तक सीमित थी, तो इससे हमारे को ये फायदा भी वो अपनी आजीविका खुद कमा रही है, खुद चला रही है। और ज्यादा नहीं हो पाए तो कम से कम इतना है वो अपने सेल्फ डिपेंड तो है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, बल्कि यहाँ तक बहुत महिलाएं ऐसी हमारी जो अपना घर भी चला रही है इससे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। इनकी सेल्फ डिफेंस यानी कि अपना खुद यहाँ पर करके घर पे काम करके अपनी आजीविका यहाँ पे चला सकते हैं। और यहाँ पर एक मैम हमारे साथ उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम चंपा है, मैं हलोक धाम से। अच्छा पहले सबसे पहले बताइए आपके पास जो आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है आपके पास विशेष क्या है और क्या उसकी विशेषता है, उसके बाद पूरी जानकारी लेंगे। पर विशेषता क्या है आपके प्रोडक्ट की, क्यों आपसे लोग ले? सर विशेषता जैसे कॉटन के प्रोडक्ट बने हैं, इसका भी ज्यादा वो चला हुआ है और मिट्टी का हमने खुद बनाया, हम ट्रेनिंग भी ले रहे सर और सेल भी कर रहे खुद। और क्या आपके जो है विशेष जो आप घर में तैयार करते हैं, क्योंकि लोग बाजार से जाते हैं कुछ मिलावटी चीज ना मिले, तो घर में क्या प्रोडक्ट आप लोग जो बनाते हैं चाहे वो कोई भी? जैसे सर जैसे सेब पुबड़िया है, मांस से बनी हुई है घर में, हमने मांस भी रखा वो करते हैं भिगो के फिर इनको तैयार करते हैं, प्रोडक्ट घरेलू ही है। तो कितनी महिलाएं हैं और इसके अलावा कहाँ कहाँ स्टॉल लगे हैं आपके? सर जैसे 8 मार्च को हमारा पार लगा था, वहाँ पे ठीक है, तो इस तरह के स्टॉल आपके बार बार लगते रहते हैं समय समय? जी सर, जी सर। अच्छा इससे हमारे को काफी ज्यादा आजीविका मिल रही है सर, इसके लिए हम धन्यवाद ब्लॉक टीम का करते हैं अपना सारी। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। और यहाँ आपके साथ मौजूद पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि एक मैसेज है और इस मैसेज के थ्रू हम आपके इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपको पहुंचाना चाहेंगे। और जो घर में खासतौर पर जो महिला घर पर रहती है और चाहती है कि वो कुछ कमाना चाहे तो इनके साथ जुड़ सकती है और किस तरह से जुड़ सकते हैं ये भी पूरी जानकारी देंगे। मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। जी मैं बिमला शर्मा, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर विकासखंड टूटू। जी तो आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी है, कितनी महिलाओं को जो आजीविका का जो साधन है? जी ये हमारे ब्लॉक में 34 पंचायतें हैं जिसमें हमारे इस टाइम 300 ग्रुप्स बने हैं और जो काफी एक्टिव है वो 150-200 के आसपास है। कुछ ग्रुप्स हमारे अभी नए बने हैं स्वयं सहायता समूह, तो उनको भी इस तरह से तैयार किया जा रहा है। आगे कौन कौन से प्रोडक्ट खासतौर पर आपकी डिमांड क्या रहती है जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं मार्केट में, अभी आपके स्टॉल लगते हैं डिमांड किस चीज की रहती है? कोविड के दौरान जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा देने के साथ जो है तब से हमारे जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट या हमारी संस्कृति से जो लुप्त हो चुकी थी वो प्रोडक्ट अब हमारे जो है बनाए जा रहे हैं। जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं जैसे अभी हमारे राखी का त्यौहार था तो उसमें हमारी महिलाओं ने राखियां बनाई, सेल की स्टॉल हमारे यहीं पर लगा था और इसमें हमारी महिलाओं ने जो है लगभग 50,000 के आसपास से जो है अपनी इनकम कमाई। तो इसके साथ साथ हमारे जो प्रोडक्ट चले हैं एक टॉर का पत्ता है उसकी हमारी पतले बनाई जा रही है और पाइन नीडल्स है उससे भी हमारे प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा ये मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत हमारी एक ट्रेनिंग बैठी है हलोक धामी में, उससे इन्होंने दीपक बनाए, बहुत कुछ इस तरह
तरह के सामान मिट्टी के बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई वगैरह है, ये तो एज यूजुअल चली ही है। इसके अलावा हमारे जैसे सब्जियां वगैरह होती है उससे भी ये अचार चटनी फूड प्रोसेसिंग का भी जो है ये काम कर रहे हैं। कुछ महिला अगर आपके साथ जुड़ना चाहती है तो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकती है, ट्रेनिंग किस तरह से ले सकती है, थोड़ी जानकारी जी। ट्रेनिंग का ये है कि हमारे NRLM के अंतर्गत जो है ट्रेनिंग हमारे यूको RCET के माध्यम से हमारा इंस्टीट्यूट छोटा शिमला ब्रॉक हाउस में है, वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। खाना पीना रहना वहाँ पर सब कुछ फ्री रहता है। और यदि हम फील्ड स्तर पर भी ग्रुप्स को जो ट्रेनिंग देना देते हैं तो वो भी हमारी RCET के माध्यम से, या कोई NGO जो है वो ट्रेनिंग दे तो फिर वो भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो लोकल फॉर वोकल, यानी कि जो लोकल जो हाथ से बनी चीजें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ जो है महिलाएं घर पर बैठकर अपने आजीविका कमा सके, किसी पर डिपेंड ना रह सके, एक पहल यहां पर की जा रही है। अगर आप लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो छोटा शिमला में इनका इंस्टीट्यूट है जहां पर आप ट्रेनिंग जो बिल्कुल फ्री आप ले सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट बनाकर अपनी आजीविका भी चला सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताजा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। डिमांड